13 से 21 नवंबर 2019 के मध्य भारत एवं किस देश की संयुक्त त्रिसेना मानवीय आपदा एवं राहत अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया जा रहा है। तो ये अमेरिका के बीच में है, भारत और अमेरिका के बीच में है। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, इसका नाम याद करने के लिए, टाइगर ट्रंप। तो ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो अमेरिका के जो है वो राष्ट्रपति हैं। तो इनके नाम को ध्यान में रख करके टाइगर ट्रंप को याद किया जा सकता है। और ये भारत में जो है वो पूर्वी तट पर जो है, ये भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य जो है, उसका उद्देश्य क्या है कि मानवीय सहायता, यहाँ पर ध्यान रखना है, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, ठीक है। इस नौ क्या कहते हैं, संयुक्त सेना अभ्यास का जो है वो उद्देश्य है, और अभ्यास का नाम है टाइगर ट्रंप। और अगला न्यूज जो है ई सिगरेट के उत्पादन आयात को लेकर के है, जिस पर अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। तो देख लेते हैं सवाल कौन सा बना है यहाँ पे। 10 नवंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक किस राज्य की पुलिस द्वारा ई सिगरेट और अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणालियों की उपलब्धता और उपयोग पर अंकुश लगाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें, ये हरियाणा है। और जानते हैं कि ई सिगरेट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। तो वो निकोटीन जो है, जिस प्रकार से फिजिकली सिगरेट यूज किया जाता है लोगों के द्वारा, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, ई सिगरेट भी होता है, जिसमें निकोटीन के माध्यम से जो है वो क्या कहते हैं कि उसका उपयोग होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2000 क्या कहते हैं कि यहाँ पे ई सिगरेट का जो है हर तरीके से उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, इन सभी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। तो इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानने की जरूरत है कि हाल ही में ई सिगरेट पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा चलाया गया है। और अगली न्यूज जो है वो क्वाड कंट्रीज को लेकर के है। सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानने की जरूरत है कि क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर भारत है, और अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे चार देश जो है वो क्वाड कंट्रीज में शामिल है। लेकिन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि 21 से 22 नवंबर 2019 के मध्य में क्वाड कंट्रीज देशों का पहला संयुक्त आतंकरोधी संयुक्त अभ्यास CCTTX का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये आयोजन जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। और यहां पर CCT का जो है पूरा नाम जो है, इसका नाम है CCTTX, यानी कि काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये MPPCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है। और इसकी मेजबानी जो है वो INA ने किया है, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने किया है। और आपको बता दें कि जो है क्वाड कंट्रीज का जो गठन है वो क्या कहते हैं, चाइना, एशिया में जो चाइना का रुख है, चाइना जिस प्रकार से अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते जो है अपनी मंसूबों को तरह तरह से जो है वो क्या कहते हैं अंजाम देता रहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो क्या कहते हैं जापान के द्वारा जो है इसका गठन किया गया। देख सकते हैं कि वर्ष 2007 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के परामर्श से क्वाड कंट्री की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा, प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा, जो कि जापानी प्रधानमंत्री थे। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना से जानने की जरूरत है कि क्वाड कंट्रीज के द्वारा एक आतंकरोधी संयुक्त अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है, CCTTX। और अगली न्यूज जो है वो सांस अभियान को लेकर के है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सांस अभियान का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसका जो है पूरा नाम है। उसके बाद में हम इससे जुड़े कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिखा है कि सांस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है, तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। इस अभियान का उद्देश्य नवजात शिशु में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं क्या है, कि इस अभियान के तहत बच्चों में होने वाले निमोनिया पर नियंत्रण हेतु वर्ष 2025 तक प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होने वाली मौतों को 3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इसके अलावा इसमें निमोनिया से ग्रसित बच्चों को आशा कार्यकर्ता द्वारा अमोक्सिलिन नामक एंटीबायोटिक्स जो है, अमोक्सिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक की खुराक दी जाएगी। तो ये चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं, जो कि निमोनिया उन्मूलन में जो है वो मददगार है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य देते हैं कि निमोनिया के कारण सबसे ज़्यादा जो बच्चों की मौत होती है, नंबर एक स्थान पर मध्य प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर जो है वो गुजरात है। और अगला सवाल देखते हैं कि 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन भारत एवं जो है कतर के बीच में किया गया है, और भारत एवं कतर के बीच में इसका आयोजन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है, ठीक है, भारत एवं कतर के बीच में हुआ है, 17 से 21 नवंबर में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो ये भी जानने की ज़रूरत है। तो इसका आयोजन जो हुआ है, इसका आयोजन कतर में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 11 से 12 नवंबर 2019 के मध्य 27वां केंद्र और राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ है, क्या कहते हैं, कोलकाता में संपन्न हुआ है। और यहां पर एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि किसी भी अगर सम्मेलन हुआ या थीम हुआ, सम्मेलन होती है, बैठकें होती हैं, तो आयोजन होता है, तो उसकी थीम महत्वपूर्ण होती है। इसकी थीम है सतत विकास लक्ष्य, जिसको आप SDG बोलते हो। और SDG का टारगेट सबको पता है कि ये 2030 तक जो है वो रखा गया है। और अगली न्यूज SCO को लेकर के है। यहाँ पर देख लेते हैं कि 19 से 21 नवंबर 2019 को SCO संघाई सहयोग संगठन के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के प्रमुखों की 5वीं बैठक जो है वो कहाँ पर संपन्न हुई। तो ये 5वीं बैठक जो संपन्न हुई है, ये रूस के जो है मास्को में संपन्न हुई है। और क्या कहते हैं, SCO के 8 सदस्य देश हैं, यहाँ पर सारे जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो है प्रमुख ने हिस्सा लिया था। अगला न्यूज देखते हैं कि 23 से 26 नवंबर 2019
के मध्य डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन वाराणसी में हुआ है। दरअसल ये जो पूर्वोत्तर की जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो संस्कृति है और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुनी तहजीब है, इन दोनों को जो है एक आपस में जो है एक क्या कहते हैं कि सामंजस्य और जो है आपस में मिलन कराने के उद्देश्य से इस तरह के जो है फेस्टिवल का आयोजन किया जाने लगा है। अगला न्यूज जो है वो क्या कहते हैं ट्राइबल्स को लेकर के देखते हैं कि 23-27 नवंबर 2019 के मध्य 8वां राष्ट्रीय ट्राइबल क्राफ्ट मेला का आयोजन कहां पर जो है किया जा रहा है, तो ये आयोजन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। और अगली न्यूज है कि 11-12 नवंबर 2019 के मध्य भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और सम्मेलन की जो थीम रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका थीम रहा है टुडे टुमारो एंड टुगेदर, माने कि आज कल और एक साथ जो है ये भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखने की चीज़ है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन नहीं है, भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, इसकी थीम रही है आज कल और एक साथ। और अगला न्यूज जो है वो योग शिखर सम्मेलन को लेकर के है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि 15-16 नवंबर 2019 के मध्य 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, 15-16 नवंबर 2019 के मध्य 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग शिखर सम्मेलन मैसूर में हुआ है। कहाँ पर, ये मैसूर में हुआ है, ठीक है। और सम्मेलन की जो थीम रही है, थीम है योग फॉर हार्ट केयर, सम्मेलन की